आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी, मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। सरकार को शाबाशी, राज्यपाल ने सरकारी योजनाओं पर थपथपाई पीठ, विपक्ष ने किया वॉकआउट। कांग्रेस पर बरसे सीएम जयराम ठाकुर, गवर्नर एड्रेस पर वॉकआउट को बताया निंदनीय। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राहत, 60 साल में ही रिटायर होंगे क्लास 4। अवैध पटाखा फैक्ट्री के बाहर मृतकों के परिजनों का हंगामा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई मांगी। प्रदेश भर में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक जारी, अब 26 फरवरी को करेंगे सामूहिक अवकाश। पॉश मशीन से अंगूठा पंच करने पर नहीं लगेगा शुल्क, प्रदेश सरकार करेगी भुगतान। बर्फबारी से फिर जाम हुई जिंदगी, लाहौल में 134 संपर्क मार्ग बंद, कुल्लू में फिर बड़ी ठंड। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा सदन में बजट सत्र की शुरुआत प्रदेश सरकार को शाबाशी और विपक्ष के वॉकआउट के साथ हुई। अपने अभिभाषण में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कोविड से रोजगार तक हर योजना का जिक्र किया, लेकिन यह बात विपक्ष को रास नहीं आई और सभी विपक्षी नेता सदन से बाहर चले गए। विधानसभा सदन में बजट सत्र की शुरुआत बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण से हुई। सुबह ठीक 11 बजे राज्यपाल ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव और हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती की शुभकामनाओं से अभिभाषण की शुरुआत की। करीब 40 मिनट बाद विपक्ष ने अभिभाषण पर हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी विधायक बाहर आ गए। हालांकि इस दौरान सदन में अभिभाषण चलता रहा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस दौरान कहा कि 2 साल से कोविड की मार पूरा विश्व झेल रहा है और इस दौरान प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद का प्रयास किया गया। टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज में हिमाचल पूरे भारत में सबसे आगे रहा। उन्होंने कहा कि सेवा सिद्धि के 4 साल से युवाओं को स्वरोजगार का प्रयास किया गया। इसके अलावा राज्यपाल ने जल से कृषि को बल योजना, राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम, मंडी मध्यस्थता योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पौध संरक्षण कार्यक्रम, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, कुंभ विकास योजना, कृषि उत्पाद संरक्षण योजना, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, ट्राउट पशुधन बीमा योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मातृशक्ति बीमा योजना, जनमंच कार्यक्रम आदि पर सरकार की पीठ थपथपाई। विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष का वॉकआउट प्रदेश सरकार को रास नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष की कार्रवाई को निंदनीय करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेताओं से तीखे सवाल भी किए हैं। राज्यपाल अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल कांग्रेस के वॉकआउट की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष ने पिछले साल राज्यपाल से अभद्रता तक की थी, इस बार चल रहे अभिभाषण को कांग्रेस नेताओं ने बाधित किया और फिर नारे लगाते हुए बाहर चले गए। यह आचरण और परंपरा अच्छी नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है, लेकिन यह नहीं बताया कि इसमें झूठ क्या है। कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में 2 ऑक्सीजन प्लांट थे, आज 48 हैं। इसमें क्या झूठ है? वेंटिलेटर 50 थे, आज 1000 से ज्यादा है। नगर निगम 2 थे, हमने 5 कर दिए। एसडीएम दफ्तर बढ़े, पिछले 15 साल से एक भी पंचायत नहीं बनी थी, हमने 415 पंचायतें नई बनाई। पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, तहसील, सब तहसीलों के कई दफ्तर खुले। पीएम मंडी आए और 11,500 करोड़ के उद्घाटन शिलान्यास किए गए। यह भी झूठ है क्या? हिमकेयर में 200 करोड़ खर्च कर 2 लाख लोगों का इलाज करवाया। मुख्यमंत्री ने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो कांग्रेस इन तथ्यों को झुठलाए। इस व्यवहार की निंदा करते हुए उन्होंने उम्मीद की कि विपक्ष ने पहले दिन जो किया उसे अब बाकी सत्र के लिए आदत का हिस्सा नहीं बनाएगा। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोदरेज नंबर 1 मिस हिमाचल 2021-22 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। नमस्ते, माय नेम इज आरुषि ठाकुर एंड आई एम द रेनिंग मिस हिमाचल। आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस तुम उम्मीद मत छोड़ना। पिछले 2 साल हम सभी के लिए काफी संघर्ष भरे रहे हैं। इस वैश्विक महामारी ने हमारे जीवन में कई बदलाव लाए हैं। एंड विद द राइजिंग केसेस ऑफ कोविड-19,
It is hard to imagine a positive start to your day. Most individuals are juggling with mental stress, anxiety and depression. और मेरा मानना है कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में हम सभी को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए. अच्छा पढ़िए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और सबसे महत्वपूर्ण अपनी और अपने परिवार की सेहत का खास ख्याल रखिए. मेरे पास आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है. एंड द गुड न्यूज इज दैट द टाइम हैज फाइनली कम एंड वी आर लुकिंग फॉर आवर नेक्स्ट मिस हिमाचल. बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मिस हिमाचल 2021-22. दिस कुड बी यू. You have the opportunity to empower your dreams and make this coveted title your own. The best is yet to come. Till then, stay tuned with us. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में प्रदेश हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है. इसमें कहा गया है कि 10 मई 2001 से पहले नियुक्त हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त होंगे. प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में महत्वपूर्ण व्यवस्था करते हुए स्पष्ट किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 10 मई 2001 से पहले सरकारी सेवाओं में लगे थे वे 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त होंगे. वे कर्मचारी चाहे इस तिथि से पहले नियमित हुए थे अथवा अस्थायी रूप से लगे थे फिर भी वे 60 वर्ष की आयु पर ही रिटायर किए जाएंगे. कोर्ट ने यह व्यवस्था देते हुए यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई भी ऐसा कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया गया हो तो उसे भी 60 वर्ष की आयु का सेवानिवृत्त समझा जाए और इस दौरान का वेतन छोड़कर उसे ये लाभ पेंशन के रूप में दिए जाएं. कोर्ट ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समरूप वर्ग होने के कारण उनके बीच सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता. मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की फुल बेंच ने यह महत्वपूर्ण व्यवस्था दी. ऊना के बाथू में अवैध पटाखा फैक्ट्री में मारी गई महिलाओं के परिजन जब शव लेने के लिए फैक्ट्री के बाहर पहुंचे तो माहौल काफी गर्मा गया. परिजनों ने मामले की जांच और इस प्रकरण के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को आवाज बुलंद की है. हरोली के बाथू स्थित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट और आगजनी में मारी गई महिलाओं के परिजनों ने बुधवार को फैक्ट्री गेट के बाहर जमकर हंगामा किया. दरअसल घटना के दौरान जिंदा जली महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के बाद जब परिजनों के सुपुर्द किया जा रहा था तभी पंजाब निवासी मृतका के परिजन शव को लेकर फैक्ट्री गेट पर जा पहुंचे. इस दौरान परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और जमकर हंगामा किया. इस दौरान पटाखा फैक्ट्री दुर्घटना में कालका ग्रास बनी महिलाओं के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए. उधर हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक द्वारा गठित की गई एसआईटी के मुखिया डीआईजी सुमेधा द्विवेदी और बटालियन के कमांडेंट विमुक्त रंजन जांच के लिए घटना स्थल पर पहुंचे. एसआईटी ने सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है. हिमाचल प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर पंजाब की तर्ज पर छठे वेतनमान के लाभ न मिलने से नाराज हैं। इसलिए वे पिछले 14 दिन से हर रोज पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी सरकार से कोई बात नहीं हो पाई है. ऐसे में मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि अब प्रदेश भर के डॉक्टर एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे. प्रदेश भर में चिकित्सकों की पेन डाउन स्ट्राइक सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक जारी है. अब डॉक्टर्स की 2 घंटे की स्ट्राइक मरीजों पर भारी पड़ रही है. इस दौरान ओपीडी के बाहर चिकित्सकों के इंतजार में लंबी कतारें लग रही हैं. चिकित्सकों की स्ट्राइक को 14 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक चिकित्सक संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्यों की सरकार के साथ वार्ता नहीं हो पाई है. ऐसे में मेडिकल ऑफिसर्स ने पंजाब की तर्ज पर नए वेतनमान का लाभ न मिलने, डॉक्टरों को अनुबंध पर रखने, डॉक्टरों का एनपीए कम अथवा बंद करने को अन्याय बताया है.
अब संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी को सभी चिकित्सक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। यदि 28 फरवरी तक चिकित्सकों की मांगों को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। कुछ समय पहले सरकार ने राशन डिपो में पॉश मशीन में अंगूठा लगाने के लिए 25 पैसे का शुल्क तय किया था। हालांकि जब इसका विरोध हुआ तो सरकार ने इस आदेश को वापस ले लिया। अब इस संबंध में विभाग की ओर से सभी अधिकारियों को निर्देश जारी हो गए हैं। प्रदेश के डिपो में राशन लेने पर पॉश मशीन से अंगूठा पंच करने पर अब शुल्क नहीं लगेगा। पिछले दिनों सरकार ने शुल्क ना लेने की घोषणा कर दी थी और अब खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी अधिकारियों को शुल्क ना लेने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि डिपो में राशन लेने पर प्रति ट्रांजेक्शन 25 पैसे का शुल्क लगता था। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति राशन डिपो में पॉश मशीन पर 4 बार अंगूठा पंच करता है तो उसे राशन के पैसों के अलावा 1 रुपये भुगतान करना पड़ता था। अब पॉश मशीन से अंगूठा पंच करने पर लगने वाले शुल्क का भुगतान प्रदेश सरकार करेगी। मशीन से अंगूठा पंच करने का शुल्क हटाकर सरकार ने प्रदेश की जनता को राहत दी है। प्रदेश भर में 5044 पॉश मशीनें और करीब 19.39 लाख उपभोक्ता हैं। राशन डिपो में बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन के शुल्क के भुगतान अब प्रदेश सरकार द्वारा किए जाएंगे। बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन के शुल्क ना लेने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ रहने से लोगों को ठंड से कुछ निजात मिली थी, लेकिन मौसम बदलने के साथ ही लोगों की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानों में कुछ जगह बारिश होने से शीतलहर फिर लौट आई है। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। इस दौरान जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, वहीं मैदानी क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे। इसी बीच जानकारी मिली है कि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और मनाली के पर्यटक स्थलों में बर्फबारी से एक बार फिर जनजीवन ठप हो गया है। बर्फ के कारण लाहौल में लगभग 134 संपर्क सड़कें बंद हो गई हैं। मनाली के अलावा नेशनल हाईवे भी बर्फबारी के कारण बंद है। मनाली पहुंचे पर्यटक बुधवार को नेहरू कुंड से आगे नहीं जा सके। उधर जिला कुल्लू में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। यहां बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। हालांकि जिला कुल्लू की ऊंची चोटियों में बर्फबारी का दौर आरंभ हो गया है। इससे एक बार फिर जिला कुल्लू शीतलहर की चपेट में आ गया है। वहीं किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मंगलवार रात से ही जमकर बर्फबारी हो रही है, जबकि मध्यम व निचले क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। और अब चलते चलते लाहौल घाटी के जंगल कैंप के समीप हादसा, भूस्खलन की चपेट में आने से डोजर ऑपरेटर की मौत। भूकंप से हिली शिमला के रामपुर की जमीन, रिक्टर स्केल पर 4 आंकी गई भूकंप तीव्रता। नैना देवी के गांव वाकड़ी भाकड़ा में लकड़ी का कारखाना राख, 6 लाख का नुकसान। और मंडी के सुंदरनगर में 300 फुट गहरी खाई में लुढ़की कार, एक सवार की मौके पर ही मौत, 4 जख्मी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। रात 9 बजे देखना ना भूले शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।